तो यो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दी चैनल, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, बात करने के लिए तो एक ही टॉपिक आजकल ट्रेंड में चल रहा है, फ्री फायर बैन को लेके। तो आज हम उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। आज हमारे गेम में आया है न्यू स्टेप अप इवेंट फ्री फायर मैक्स के अंदर। तो फ्री फायर मैक्स के अंदर जो है स्टेप अप इवेंट आया है, इसमें आप देख सकते हो काफी ज्यादा एक आप लोगों को डायमंड्स बोटे उड़ाने पड़ेंगे, तब जाके आप लोगों को कुछ मिलेगा। जहां पे ये क्या मजा आ गया भाई, 9 डायमंड का स्पिन था पहला, जहां पे मुझे बोन फायर मिला है भाई, क्या ही बताऊ अब मैं। सेकंड स्पिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो ये वाला इवेंट आप देख सकते हो लास्ट स्पिन 79 का है। मैं नहीं करने वाला हूँ। गेम बैन होने आया और मैं डायमंड उड़ा रहा हूँ इधर, भाई क्या चल रहा है ये। तो देखो गाइज, बैन 10 अभी तक किसी को नहीं पता, सीरियसली बता रहा हूँ। ये न्यूज चैनल्स को मैं कभी भी भरोसा नहीं किया हूँ और ना ही करने वाला हूँ। गवर्नमेंट के साइड से अभी तक मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। और तुमको जो फेक पोस्ट देखने को मिलेंगे नरेंद्र मोदी कहीं ना फ्री फायर के, कि हाँ वो लोग बोल रहे कि बैन हो गया, तो भाई ऐसा कुछ फेक, वो सब फेक है, ठीक है, वो सब एडिटेड है। तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, फ्लैश पेट का जो टॉपअप इवेंट है उसको यहाँ पे 3 मार्च का कर दिया गया है। मतलब वो जो टॉपअप इवेंट है वो 3 मार्च तक चलने वाला है भाई। मतलब पूरा फ्री फायर का जो मेन जो अर्निंग होता है ना, वो इंडियन सर्वर से होता है। और इधर तुम देखोगे ई-स्पोर्ट्स सेक्शन भी हटा दिया गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हाँ, फ्री फायर कुछ तो चल रहा है भाई, कुछ तो बड़ा वाला स्कैम चल रहा है हमारे साथ। फ्री फायर मॉडरेटर्स अलग ही बोल रहे कि हमको कुछ नहीं पता, वो लोग रिप्लाई तक नहीं दे रहे हम लोगों को, मतलब पार्टनर्स को, जो भी पार्टनर प्रोग्राम पे है उनको रिप्लाई भी नहीं दिया जा रहा है कि हाँ बैन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो या यही सब तो चल रहा है जिंदगी में, जिंदगी बहुत खराब चल रही है। आज तो मुझे सुनने को आया कि आज बप्पी लाहिड़ी जी भी चले गए, क्या ही तो चल रहा है भाई। तो गाइज यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, क्या फ्री फायर वापस आएगा, कि भाई सबके अंदर यही क्वेश्चन है कि फ्री फायर वापस आएगा। क्योंकि देखो, फ्री फायर अगर चला जाता है तो फ्री फायर के मैक्स भी जो है उनके भी सर्वर्स डाउन हो जाएंगे। ये तो सिंपल बात है, क्योंकि फ्री फायर का ही अपडेटेड वर्जन फ्री फायर मैक्स है। तो अगर फ्री फायर के सर्वर डाउन हो जाते हैं तो फ्री फायर मैक्स के भी सर्वर्स डाउन हो जाएंगे। तो वो तो हो गया, तो क्या फ्री फायर वापस आएगा जैसा BGMI आया था? तो जी बिल्कुल, फ्री फायर का जो सबसे बड़ा मार्केट है ना सी लिमिटेड का, वो इंडिया से है। तो वो कुछ ना कुछ करके इंडिया के लिए कुछ बना के वापस आ सकते हैं, लाइक BGMI, ठीक है, BGMI भी वापस आए थे, तो ये भी वापस जल्दी आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कब आएंगे, क्योंकि देखो पबजी को आने में 1 साल लग गया था, समझ सकते हो, 1 साल लग गया था। तो BGMI जो आया था वो 1 साल बाद आया था पबजी के बैन होने के बाद। और मैं बस आशा करता हूँ कि फ्री फायर वाले इतना टाइम ना लगा दे, क्योंकि इनका एक ह्यूज मार्केट इंडियन सर्वर्स से है, और इसकी वजह से ना इनके सारे सर्वर्स में एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। सारे सर्वर्स के जो भी इवेंट्स आ रहे हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा एक जो कि मेन इवेंट्स देख सकते हो, टॉप अप इवेंट का डेट बढ़ा दिया गया है, वो 16 दिन तक चलने वाला है, मतलब 2 हफ्ते से भी ज्यादा। तो उसके अलावा जो बाहर के सर्वर में इवेंट आने वाले हैं, जो कि आप लोगों का फेमस का इवेंट हो गया एवो फेमस, तो उसका भी डेट बढ़ा दिया गया है, 1 महीने से ज्यादा का कर दिया गया है। तो भाई मतलब फ्री फायर वाले बोल रहे हैं कि हम लोग 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग जितना भी इसको हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो चुका है कि हाँ बैन तो हुआ है। अब मैक्स कैसे है वो तो मुझे नहीं पता, बट मैं आशा करता हूं कि अगर फ्री फायर का सर्वर्स डाउन हो जाते हैं तो फ्री फायर मैक्स के भी सर्वर्स डाउन हो जाएंगे। और मेरा तो सभी से गेम से है यार, आप लोगों का भी भाई, ये गेम इमोशन है मेरे लिए, और इस गेम से ही मेरा चैनल खड़ा है, मेरे स्पॉन्सरशिप्स है। सब खत्म वापस नहीं आता तब तक कुछ और गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सच में बैन हो जाता है, सच में इसके सर्वर्स डाउन हो जाते हैं, तो मैं तो इसको नहीं खेल सकता हूँ इलीगल, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ जाके कुछ भी नहीं कर सकता, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कहा है भाई, मुझे वो दिखा दो पहले, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। वो न्यूज चैनल्स पे भरोसा मत करो गाइस, सच बता रहा हूँ, ये स्टेप अप इवेंट आया है। अगर आपका गेम चल रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, स्टेप अप इवेंट आया है। और इवेंट्स तो देखो, इवेंट्स तो पहले से फिक्स होते हैं कि कौन से डेट को कौन सा इवेंट आएगा, वो तो अलग ही फिक्स होते हैं। बट फ्री फायर को एक बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है, तो वो इस लॉस को रिकवर जरूर करेंगे और वापस जरूर आएंगे, और बढ़िया बढ़िया इवेंट्स वो लोग दे सकते हैं, ठीक है, मतलब एकदम खतरनाक खतरनाक चीजें वापस दे सकते हैं, ठीक है, अगर वो वापस आ जाते हैं जल्दी जल्दी। तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। रिलॉन्च होगा हमारा फ्री फायर अगर सच में ऐसा कुछ होने वाला है, तो बस आशा करते हैं कि जो भी हो जल्दी हो, 1 साल कम से कम ना लग जाए इसको रिलॉन्च होने में, भाई सच बता रहा हूं।
2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्री फायर ना एकदम नहीं। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड पीस आउट। Yeah.